नमस्कार। मेडिटेशन वेदा के इस वीडियो में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मकर संक्रांति क्या है और हिंदू धर्म में इस दिन का क्या विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में महीने को दो भागों में बांटा जाता है, पहला शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष। ठीक उसी तरह वर्ष को भी दो भागों में बांटा गया है, पहला उत्तरायण और दूसरा दक्षिणायन। काल गणना के अनुसार जब सूर्य मकर राशि से मिथुन राशि तक भ्रमण करता है, या यूं कहें कि जब सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करने की दिशा बदलते हुए थोड़ा उत्तर की ओर ढलता जाता है, तो इस काल को उत्तरायण कहते हैं और इस राशि परिवर्तन के समय को ही मकर संक्रांति कहा जाता है। ये समय 6 महीने का होता है। तत्पश्चात जब सूर्य कर्क राशि से सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु राशि में विचरण करता है, तब इस समय को दक्षिणायन कहते हैं। इस प्रकार ये दोनों आयन 6-6 महीने के होते हैं। शास्त्रों के अनुसार दक्षिणायन को नकारात्मकता और अंधकार का प्रतीक तथा उत्तरायण को सकारात्मकता और प्रकाश का प्रतीक माना गया है। सनातन मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं। चूंकि शनि देव मकर राशि के स्वामी हैं, उनके घर में सूर्य के प्रवेश मात्र से शनि का प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के सामने कोई नकारात्मकता नहीं टिक सकती है। आपको ये भी बता दें कि कहते हैं कि मकर संक्रांति पर सूर्य की साधना और इनसे संबंधित दान करने से सारे शनि जनित दोष दूर हो जाते हैं। इन दिनों में किए गए जप, तप, दान, स्नान, श्राद्ध, तर्पण आदि धार्मिक क्रियाकलापों का विशेष महत्व होता है। इस अवसर पर किया गया दान 100 गुना फल प्रदान करता है। और तो और, शायद यही एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसे भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से मनाते हैं, वो भी एक ही दिन। यानी कि ये त्योहार अनेकता में एकता का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश और बिहार में मकर संक्रांति को खिचड़ी पर्व के नाम से जाना जाता है। गुजरात और राजस्थान में इसे उत्तरायण तथा संक्रांत के रूप में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में संक्रांति को पेड़ा पंडक कहते हैं। वहीं तमिलनाडु में संक्रांति को पोंगल के नाम से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में भी इसे मकर संक्रांति या संक्रांति के नाम से जानते हैं। असम में माघ बिहू और पश्चिम बंगाल में इसे पौष संक्रांति के रूप में मनाते हैं। और पंजाब में ये त्योहार लोहड़ी के नाम से मनाई जाती है, वो भी एक दिन पहले। संक्रांति के दिन तिल का विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के शरीर से हुई है, इसलिए मोक्ष प्राप्ति में इसका विशेष महत्व है। तो आप भी तिल गुड़ खाइए और मीठा मीठा बोलिए। आप सभी को मेडिटेशन वेदा की ओर से मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।